सेंसर बोर्ड ने डंकी को किया पास, दो जरूरी सीन्स पर चलाई कैची, लीक हो गए सीन। CBFC ने डंकी में करवाए 4 बदलाव, इनमें 2 फिल्म के सबसे जरूरी सीन। शाहरुख खान से जुड़ा अहम सीन हुआ कट, पता चल गया फिल्म का की होल। फैंस को डंकी का इंतजार बेसब्री से है और अब अच्छी बात तो यह है कि डंकी को सभी लोग देख सकते हैं। उसका कारण यह है कि शाहरुख खान की डंकी को सेंसर बोर्ड यानी कि CBFC ने UA सर्टिफिकेशन के साथ पास कर दिया है, यानी इस फिल्म को सभी लोग देख सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चे इस फिल्म को अपने पेरेंट्स की गाइडलाइन में देख सकते हैं। साफ सुथरी फैमिली फिल्म होने के बावजूद डंकी पर सेंसर बोर्ड की कैची चल गई है। फिल्म में 3-4 बदलाव कराए गए हैं, हालांकि इससे फिल्म के कथानक पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए मेकर्स ने फौरन वो बदलाव कर दिए। 15 दिसंबर को फिल्म का सर्टिफिकेट आ गया है, मगर इस काट छाट के चक्कर में फिल्म के 2 सीन पता चल गए हैं। बॉलीवुड हंगामे की रिपोर्ट के मुताबिक CBFC ने फिल्म की शुरुआत और बीच में एंटी स्मोकिंग नोटिस लगाने के आदेश दिए हैं। डंकी में और कौन कौन से बदलाव हुए हैं उसके बारे में हम आगे आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में एक शब्द को इमिग्रेट्स शब्द से रिप्लेस कर दिया गया है। इंटरवल से ठीक पहले वाले सीन में शाहरुख के निभाए हार्डी के किरदार की शादी होती दिखाई देती है। इस सीन में हार्डी वर्दी पहनकर घोड़े पर बैठा नजर आता है। इस सीन में भी सेंसर बोर्ड की एग्जामिनेटिंग कमिटी ने एक चेंज करवाया है। फिल्म के जरूरी सीन में एंटी सुसाइड डिस्क्लेमर जोड़ा गया है। फिल्म में एक सीन है जिसमें एक कैरेक्टर आत्मदाह की कोशिश करता है, उस सीन में ये चेतावनी जोड़ी गई है कि सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, यानी कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। फिल्म के आखिर में कुछ आंकड़े और तथ्य दिखाए गए हैं, मेकर्स ने CBFC के पास उनके सबूत जमा करवा दिए हैं। इन सभी बदलावों के बाद डंकी की लंबाई रही 161 मिनट 24 सेकंड, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट 24 सेकंड। डंकी की सेंसर सर्टिफिकेशन के आधार पर यह कहा जा रहा है कि फिल्म के कुछ हिस्से अंग्रेजी में भी हैं, शायद वो फिल्म का वो वाला पार्ट हो सकता है जिसमें शाहरुख का किरदार लंदन जाता है। फिल्म में सुसाइड वार्निंग जोड़ने का फैंस स्पॉइलर मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे फिल्म का एक सीन पता चल गया है। ट्रेलर में भी एक सीन था जिसमें एक इंसान को जलते दिखाया गया था। फैंस का दावा है कि वो विक्की कौशल का कैरेक्टर है, उन्हीं को दिया वादा पूरा करने के लिए शाहरुख का किरदार दुनिया भर में घूमकर भारत लौटता है। इस बारे में तो आप विस्तार से फिल्म देखने के बाद ही जानेंगे। विक्की कौशल के कैरेक्टर की डेथ यहां होने की संभावना है, ये पहले ही पता चल गया था, इसलिए विक्की के रोल को कैमियो कहा जा रहा है। 15 दिसंबर को सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के बाद 16 को डंकी की एडवांस बुकिंग खोल दी गई है। डंकी में शाहरुख खान के साथ विक्की कौशल, तापसी पन्नू, बोमन ईरानी, विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। इस फिल्म को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है और डंकी 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में लग रही है, यानी अभी चंद ही दिन बाकी हैं कि डंकी सिनेमा हॉल में लग जाएगी और आप उसे देखने चले जाएंगे। आपको डंकी का इंतजार कितना है हमें जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। ब्यूरो रिपोर्ट, #भारत।